बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब टीवी की तरफ से मैं आप लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान शेयर करने जा रही हूँ कि नमाज के बाद तस्बीहात फातिमा के बाद की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानअल्लाह कहे और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और 100 की तादाद पूरी करने के लिए ये दुआ पढ़े, अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर देते हैं अगरचे समंदर की जा के बराबर क्यों न हो। वो कलमात मुबारक ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लाहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जमा है इसका, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाही है और इसी के लिए सारी तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो आप सब भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इन तस्बीहात को लाजमी पढ़ें और वीडियो को भी आगे लाजमी शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर।